चलते टास्क में बिग बॉस बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं, बार बार बिग बॉस रूल को समझा रहे हैं, संचालक को बार बार टोका जा रहा है और संचालक की मर्जी के बगैर फैसला सुना दिया जा रहा है। इतना ज्यादा डेस्परेशन क्यों, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों? दोस्तों बहुत से सवाल आज आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कि कविता और एजाज में कौन सही कौन गलत। अगर बात करें तो रुबीना और अभिनव ने जिस तरीके से डिकोड करी हैं चीजें बिग बॉस के बारे में, वो सही या गलत? क्यों आखिरकार बिग बॉस आज के दिन जो है हस्तक्षेप कर रहे थे? क्यों आखिरकार बिग बॉस बार बार दोस्तों जो है वो दूसरी टीम को फेवर करते हुए नजर आए हैं? वैसे इसके पीछे फेवर है या फिर कुछ और स्ट्रेटेजी? मैं राहुल भोज आपको ये सारी ही स्ट्रेटेजी एक्सपोज करके अपने रिव्यू में बताऊंगा। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज का तो जो पूरा दिन रहा वो बिग बॉस ने हस्तक्षेप कर करके अपनी तरफ को मुड़वा लिया। मुझे ये पर्टिकुलर आज का दिन देखने के बाद दोस्तों सीजन 12 का हैप्पी क्लब याद आ गया। हैप्पी क्लब जो कि कंटेंट देने के मामले में दोस्तों बहुत ज्यादा आगे था, जिसमें सुरभि राणा से लेकर ये क्या कहते हैं दीपक ठाकुर से लेकर और रॉमिल से लेकर ये लोग शामिल थे, और ऑफकोर्स सोमी शामिल थे। मुझे दोस्तों आज पता नहीं क्यों जान, राहुल, निकी, पवित्रा, इनको देखकर हैप्पी क्लब की याद आ गई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज इनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा फेवर किया गया है। क्यों किया गया, इसके पीछे क्या है बड़ी वजह, ये आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तो आज बिग बॉस ने अपने ऊपर लगा हुआ एक धाग, जो उनके ऊपर एक धब्बा लगा था, एक दाग लगा था, जान कुमार सानू ने जिस तरीके से मराठी भाषी लोगों के लिए या महाराष्ट्र के लिए डेरोगेटरी कमेंट किया था दोस्तों, उसकी भरपाई आज बिग बॉस ने शो के अंदर भी कर दी। कल के दिन हमने देखा कि वो सॉरी बोलते हैं, आज के दिन हम क्या देखते हैं दोस्तों? आज के दिन हम देखते हैं कि किस तरीके से मराठी ऑडियंस का कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए या फिर मराठी ऑडियंस को खुश करने के लिए बिग बॉस यहाँ पे जिंग 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 लगा देते हैं सुबह सुबह। आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि मराठी सॉन्ग वो बिग बॉस के घर में बजा, वो भी मॉर्निंग टाइम पे, प्राइम टाइम पे बजा? नो, नेवर, नेवर रेस्ट। मतलब ये तो ऐसी है, नेवर रेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन यस यहां पर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, तो यहां पर बिग बॉस ने मराठी ऑडियंस को खुश करने के लिए और कहीं ना कहीं अपने अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए इस तरीके से झिंगाट गाने के थ्रू ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट किया है। वही दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं और मेन मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहला और मेजर मुद्दा दोस्तों है कि ये जो बैग वाला टास्क हुआ है, क्या एजाज खान सचमुच में आउट थे या नहीं थे? नैना सिंह जो संचालक बनी थी वो फेयर थी या नहीं थी? बिग बॉस ने इंटरप्शन किया था या नहीं किया था? सुनिए ये पूरा किस्सा क्या है। हमने देखा था कुछ दिनों पहले एक टास्क हुआ था जहां पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई थी, वो फोम वाला। बिग बॉस ने अच्छी खासी जो है टीआरपी तो ले ली, लेकिन दोस्तों यहां पर बिग बॉस को जो टीआरपी देने वाले कंटेंडर्स थे वो तो घर के अंदर बंद हो गए, वो तो रेड जोन में चले गए, तो अब वो कुछ अलग करें तो करें क्या? तो यहां पर दोस्तों आज के दिन एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया गया सीन पलटाने का। इसीलिए तो एजाज खान जब फाउल के कारण आउट भी हो गए दोस्तों, लेकिन फिर भी एजाज खान को बिग बॉस ने कंसिडर किया कि वो घर के नए कप्तान है, क्योंकि उन्हें पता है कि एजाज खान कल को हम जो टास्क लाएंगे उसमें एजाज खान डेफिनेटली निकी, राहुल, जान और पवित्रा की मदद करेंगे ही करेंगे। और ऐसे में दोस्तों हम यही देखते हैं, ये जो तबादले वाला सीन हुआ है ये इसलिए है क्योंकि देखिए जो रेड जोन में है कंटेंडर्स वो मसाला देने के मामले में बहुत ज्यादा आगे, अपनी भलती भलती हरकतों से करेंगे वो कुछ भी, लेकिन मसाला देंगे बिग बॉस को। और जो ग्रीन जोन में कंटेंडर्स है वो एकदम है ना लॉजिकल खेल रहे हैं, बट वो उतना मसाला नहीं दे रहे हैं। अगर बात करें अभिनव की या अगर बात करें दोस्तों शार्दुल की या इन लोगों की बात करें या निशांत की, फॉर मैटर ऑफ दैट, ये लोग मसाला नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में बिग बॉस करें तो करें क्या दोस्तों? तो ये बिग बॉस की बिसात थी। बिग बॉस ने कहा कि अच्छा तुम लोगों ने निकी, राहुल और इन जान को जो कि मसाला दे रहे थे इनको अंदर डाल दिया, तो चलो अब मैं तुमसे जो है इस तरीके से गेम पलटाता हूं और खेल को इस तरीके से रुक दे दिया। इसीलिए तो मतलब आप सोचिए कि बिग बॉस ने रूल बुक में ये बात लिखी है कि एक बार अपने वाहन से उतर गए तो मतलब आप क्वालिफाइड नहीं है, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो एजाज खान तो बार बार उतर के इधर उधर घूम रहे थे, तो ऐसे में एजाज खान तो आउट हो जाने चाहिए थे, लेकिन बिग बॉस ने कंसिडर क्यों नहीं किया? बिग बॉस ने इसी चक्कर में कंसिडर नहीं किया। नैना को बार बार इंटरप्ट क्यों किया?
यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निकी का। निकी वो जो मेरे अंगने में वाला टास्क हुआ था उसमें वो स्टार्टिंग से ही एक तरफा खेल रही थी, रूल्स के जो है अगेंस्ट जा रही थी, लेकिन बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस ने जाने दिया क्योंकि उसमें अच्छा खासा उनको मसाला मिल रहा था। बहुत अच्छी बात है ये, ऑब्वियसली बात है यार, उनको शो चलाना है, इतना बड़ा ऑडियंस को एंटरटेनमेंट का डोज देना है, तो ये तो छोटी सी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इस टास्क में, यानी कि ये जो अभी बीबी वर्ल्ड टूर वाला टास्क था, नैना फेयर थी। मैं आज भी कहता हूँ कि नैना फेयर थी, नैना अपने तरह से अच्छी तरीके से कोशिश कर रही थी, उसको आंसू नहीं बहाने चाहिए थे, लेकिन बिग बॉस की अलग मंशा थी बाबा, और बिग बॉस कुछ और चाहते थे, और इसी वजह से दोस्तों एजाज खान को बना दिया गया कप्तान। अच्छा, अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं कि किसका बैग बाहर है, अभी भी उन्होंने ये नहीं पूछा संचालक से कि कौन आउट हुआ कौन नहीं और आप किसको बनाती हैं, ये नहीं पूछा, उन्होंने सीधा ये बात पूछी क्योंकि आंसर सबके सामने था। बिग बॉस है ना दोस्तों, पकड़ लेते हैं चीजों को, और चीजों को पकड़ के वो उसी के ऊपर गेम बनाते हैं, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वजह से एजाज खान आज के दिन कप्तान बन गए, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, इसी वजह से सीन पलटा दिया जो कि हम कल पलटते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट आज हमने देख लिया कि कविता जो है वो रेड जोन में चली गई है, कहीं ना कहीं बिग बॉस इस पर थोड़ा सोच रहे होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि निक्की जो है या तो वो रुबीना का नाम लेगी या जास्मिन का नाम लेगी, बट निक्की ने कविता का नाम ले लिया जो कि अच्छा खासा बिग बॉस को टीआरपी दे रही थी। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, वो बाहर कविता को कुछ ना कुछ करके ले ही आएंगे, मुझे इतना उम्मीद है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हुआ पूरी सिनेरियो जो हुआ, अभिनव को अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ है कि बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया। सो बेसिकली ये है गेम, बंदा लॉजिकल है लेकिन कंटेंट देने के मामले में बिग बॉस कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट जगह है, क्योंकि बिग बॉस में जो है ज्यादा चीजें यही चलती है जो ज्यादा वोकल होकर प्रेजेंट हो या फिर जो है नहीं वो दिखाए। तो ऐसे में दोस्तों अभिनव को शायद कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव नहीं, अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज लाना होगा, थोड़ा सा फन मस्ती ये वो फलान ढिमकाना ज्यादा करना होगा, और उसी की वजह से वो जो है आगे जा सकते हैं और बिग बॉस उनकी तरफ भी फेवर करे। वैसे अभिनव भाई ने बहुत अच्छा खेला, आई रियली लव दैट, आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से वो दबोच के खड़े थे। अब एक सेकंड, हनी वाटर, यहां पर पवित्रा पुनिया को मौका चाहिए, पवित्रा पुनिया को बार बार मौका चाहिए, और उसको तो इन्वॉल्व होना ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बीच गेम में आना ही आना है, चाहे वो साम दाम दंडवेद का इस्तेमाल कर ले, छोटा सा नाम आया कि पवित्रा तुम ये, पवित्रा वो, पवित्रा ऐसा, और पवित्रा धप्पे से कूदी मार देती है दोस्तों, और पवित्रा कूदी मार के सारी चीजें जो है अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि पवित्रा को पता है कि मैं रेड जोन में हूँ फिर भी मैं ज्यादा नहीं दिख रही, तो बेटर है कि मैं इस तरीके से अपने मुद्दों को सामने रखूं, और पवित्रा आज वही करते हुए नजर आती है। यहां पर दोस्तों सबसे अचरज की बात है जो कि सोचने पर मजबूर भी करता है, राहुल का सॉरी बोलना। राहुल का सॉरी बोलना जान को, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या सचमुच में राहुल को नहीं बताती ये बातें, या फिर सचमुच में दोस्तों उन्होंने सॉरी बोला है, या फिर ये जो वीकेंड का वार आ रहा है उसके चक्कर में बोला है उन्होंने। वैसे आपको बता दूं दोस्तों तो इसके पीछे अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, आपको तो पता है कि मेरी बात की तरह निगाहें रहती हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल ने सॉरी जेन्युइनली बोला है, दिल से बोला है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहुल को पता था क्योंकि निक्की जो है वो कह रही थी कि यार तुझे तो पता ही है ना कि उसके साथ क्या हुआ, उसके पेरेंट्स किस तरीके से अलग हो गए, ये हो गया, और इनफैक्ट जान कुमार ने ये स्टोरी सबके सामने बताई भी है दोस्तों। सो राहुल भाई उस समय थे या नहीं थे, थोड़ा सा आई डाउट। और वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि राहुल इसलिए बोल रहे हैं सॉरी क्योंकि उनको पता है कि वीकेंड का वार आ गया है, सलमान खान आ गए हैं, और राहुल को गेम अच्छी तरीके से पता है क्योंकि उन्होंने ही ये बात बोली कि रश्मि को कॉपी कर रही है जास्मिन, जिस तरीके से जास्मिन ने उनके ऊपर पानी फेंका था, बोल रहे थे कि वहां चाय थी यहाँ पे पानी था। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल के इस मूव पर, मतलब कि सॉरी बोलने के मूव पर आपको क्या है कहना, आपको क्या है लगता, मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज जो है, जो प्रोबेबिलिटीज है वो मैंने तीनों आपको बता दी, सो कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं रुबीना को लेकर। रुबीना अपने हस्बैंड को ये कहते हुए नजर आ रही कि भैया हम फुटेज नहीं देते हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्री डिसाइड किया है। अब बिग बॉस का ये चीज दिखाने का क्या मकसद है दोस्तों, वैसे तो इतनी चीजें एडिटेड होती हैं। सो ये इनफैक्ट आज का वो जो वर्ड था GANDY वाला, उसमें भी बीप आई थी, या चाकू वाला जो वर्ड था जो कि कल राहुल को बोला गया था, राहुल ने चाकू छुपा दिया था वो बोला गया था दोस्तों, तो यहाँ पर उन वर्ड्स को बीप करा गया। लेकिन रुबीना के इस बड़ी स्ट्रैटेजी या जो चीजें क्यों करा बिग बॉस ने,
क्या बिग बॉस कहीं ना कहीं ये तो नहीं कह रहे कि बॉस हमसे मत खेलो, हमको मत बीच में इन्वॉल्व करो, कंटेस्टेंट्स से खेलो, हमको अगर खेलोगे तो हम तुम्हारी ये चीजें सामने रख देंगे। सो दोस्तों हो सकता है ये इसके पीछे गेम हो बिग बॉस का, लेकिन रुबीना ने जो बातें कही वो 100% सही है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों को फुटेज मिल रहा है वो लाजवाब है। क्यों? क्योंकि वो मसाला भी दे रहे हैं बिग बॉस को, और डेफिनेटली रुबीना या जैस्मिन या अभिनव ये लोग बिल्कुल भी ऐसा उस तरीके का एंथुजियास्टिक वे में ड्रामा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि ये चीज हो। अब दोस्तों यहां पर उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आया कविता कौशिक का, कविता कौशिक वर्सेस एजाज खान। कविता कौशिक यहां पे बार बार बोलते हुए नजर आए कि मेरी जी में मत घुस, मेरी जी में मत घुस, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, तो ये जो झगड़ा था ये डेलिब्रेटली था। कविता कौशिक को कहीं ना कहीं लग गया कि भैया मेरे हाथों से कैप्टनशिप जो है वो छिन गई है। कविता कौशिक ने सोचा कि मैं अब क्या करूंगी, मैं किस तरीके से आगे सरवाइव करूंगी, अरे भाई कोई तो बताओ। तो ऐसे में दोस्तों कविता ने बहुत ही सही मुद्दा चुना, उसने वैसे ही आग लगानी शुरू कर दी थी जब वो जब एजाज ने यू नो जान के थ्रू एक मैसेज भिजवाया था घर के अंदर इसके पवित्रा के लिए, लेकिन वो वहां पे बिजी था। कविता ने बार बार यहाँ पे जो है आवाज लगाई लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने एटीट्यूड पे सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में आप दोस्त तो कहते हैं और दोस्त को इस तरीके से समझ नहीं पा रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड दोस्तों कविता जी की तो मैंने एक बात जो वो कह रही थी तो शायद वो गलत है, क्योंकि कविता जी इनके एजाज खान के बर्थडे पे कविता जी वहाँ पे मौजूद थी उनकी दोस्त बन के, मस्त उन्होंने फोटो वोटो खिंचवाई है और एजाज खान ने आई लव यू लिखा है, यू करके लिखा है। तो भाई ऐसे रैंडम आते जाते हाय हेलो फोन वाले फ्रेंड्स को आप आई लव यू नहीं बोल सकते हैं अनटिल एंड अनलेस इंडस्ट्री में या कोई आपका खास दोस्त हो, राइट। मैं राह चलती किसी लड़की को आई लव यू नहीं बोल सकता हूँ, तो इसके पीछे क्या मकसद है? ये वीडियो मैंने इंडिविजुअल बनाया, देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो यहाँ पर दोस्तों कविता कौशिक की जो सारी डेलिबरेट मूव्स थे ना वो सब पता चल गए हैं कि ये डेलिबरेटली लिए गए हैं। कविता कौशिक को इस बात का कहीं ना कहीं एक झटका लगा कि मेरे से कैप्टेंसी जो है छिन गई। कविता को लगा अब मैं कैसे जो है इस चीज को वापस लाऊंगी, कैमराज को अपनी तरफ कैसे मुड़ाऊंगी, कविता कौशिक वो भी जानती है। फिर उसके बाद कविता कौशिक कह रही है कि ओ मैं तो इतना झगड़ा कर गई, पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तो डेफिनेटली मेरी इमेज तो खराब जा रही होगी। यहां पर अगर आप देखेंगे एजाज खान प्यार से बार बार कविता कौशिक को बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन भड़की कौन? भड़की कविता कौशिक। ये वही लड़की है जो कि भड़क कर शार्दुल को इतना ज्यादा सुनाती है, ये वही लड़की है जो भड़क कर पवित्र पुनिया को इतना ज्यादा सुनाती है, और जब कैप्टेंसी इनके ऊपर आ गई थी कविता कौशिक के ऊपर तो ये तो बावली हो गई थी, बावली पूछ बन के घूमे से। तो ऐसे में कविता कौशिक का मैं ये कहना चाहूंगा कि बहन जी आपने अपनी कैप्टेंसी में तो डिक्टेटरशिप बना दिया था, घर को डिक्टेटरशिप चला रही थी, और जब एजाज खान आपको माइक के लिए या किसी चीज के लिए बोल रहा है तब आप उसकी ही दोस्ती पर सवाल खड़े कर रही हो, उसी की ही चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट कर रही हो जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर डेफिनेटली गलत है। दोस्तों यार बहुत सारे प्रूफ हैं, इनफैक्ट बिग बॉस में घर के नंबर वाली जो बात होती है 3 नंबर, तो उनमें से उनका नंबर भी गया है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कविता गेम खेल रही है। कविता यहाँ पर एक अलग तरीके का चेहरा दिखा रही है जिसकी वजह से एजाज भाई रो भी रहे हैं दोस्तों कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे ट्रस्ट करूं। एक्चुअली एजाज खान का नहीं समझ में आ रहा है, और ये घर वाले जो जिस तरीके से उन पर नाम रख रहे हैं ना दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा एजाज खान ऐसे ही है। एजाज खान रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा रिजर्व रहते हैं, और जब से वो उनका 2011 वाला मैटर हुआ था उसके बाद तो और भी ज्यादा वो रिजर्व हो गए थे। तो ऐसे में एजाज खान के ऊपर ये जो बातें आ रही हैं ये सरासर रॉन्ग प्रूव होती हैं। कविता कौशिक यहाँ पर दोस्तों फिर उसके बाद क्या कहती है कि मैं तो सरासर कैमरे के आगे गलत लगी होंगी ये पूरे एपिसोड में ऐसा वैसा। अगर गलत लगना ही तो आपने इतना अभद्र शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? वो तो थैंक्स टू बिग बॉस की बीप वाली टीम जिन्होंने बीप कर दी उनकी बात को, वरना आज जी वर्ड इतना ज्यादा सुनाई दिया है कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जी बोल बोल के ना सभी के घर वालों की जी जो है सबके सामने रख दिया है। मतलब इतनी बार उन्होंने जी वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जो कि वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है वो उनका प्रेरोगेटिव है और बिग बॉस ने जो है उसको बीप कर दिया, ये बिग बॉस ने अच्छा स्टेप लिया, बट ये यू नो थोड़ा सा लैंग्वेज कह सकते हैं इस बात को लेकर। ओके गाइज अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कविता जो है कविता वो बोथ साइड खेलने की कोशिश कर रही है। कविता ने पहले जो है ये रेड जोन वालों को अच्छी तरीके से परखा समझा, ठीक है,
फिर उसके बाद उन्होंने तब जाके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन ले लिया कि अब यार ये ग्रुप है ना थोड़ा बचकांड किस्म का, इनके साथ मैं रहूंगी ठीक है, लेकिन ये लाइमलाइट है ना मुझसे ज्यादा लेकर जाएंगे, क्योंकि निक्की ले लो या राहुल ले लो, ये लाइमलाइट के मामले में बहुत आगे हैं, तो ये आगे लेकर जा सकते हैं। भाई अगर मैं थोड़े से कम लाइमलाइट वाली टीम यानी कि रुबीना, जैस्मिन, अभिनव, निशांत मलकानी, इनके साथ रहूंगी, शार्दुल भी उनके साथ हो गया या नैना भी उनके साथ है, उनके साथ अगर मैं पलटाई मारती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, तो मैं ज्यादा दिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और मैं कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाती हुई नजर आऊंगी। सो ऐसे में दोस्तों एजाज खान से झगड़ा भी उसी प्लानिंग का एक बड़ा मूव था, और उसी लिए कविता कौशिक ने इस तरीके का मूव कर दिया। ओके गाइस, अब उसके बाद टास्क आ गया सीन पलटाने वाला, ठीक है, एजाज खान को, जो मैं कह रहा था कि बिग बॉस तब से प्लान कर रहे थे, बिग बॉस ने वही प्लान प्लून करके सामने रख दी बातें कि देखो भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है, ऐसा ऐसा सिस्टम है, अब तुम जानो, तुम्हारा गेम जाने, और एजाज खान के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। निकी ने यहाँ पर दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से टास्क किया, मुझे पसंद आई निकी इस वक्त। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि कविता कौशिक थोड़ी सी ढीली पड़ गई, यहाँ पर कविता कौशिक को अपने आप को प्रूफ करना था, लेकिन वो कह रही नहीं मैं गिल्टी फील करती हूँ, नहीं एजाज ने मेरे को ऐसा किया, दोस्त पे भरोसा नहीं है, दोस्ती पे भरोसा नहीं है, ये वो, अपने लिए खेलो, अकेले खेलो, तो ये बेसिकली कविता कौशिक का एक सिंपैथी कार्ड था जो कि उन्होंने फेंका, और उन्होंने अपने आप को एनरोल जो कर दिया वो कर दिया रेड जोन में। हालांकि ऑफकोर्स एजाज भाई ने जो है वो बजर दबाया, राइट, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा मूव था, और निकी की फ्रीडम ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का वो हैप्पी क्लब को बचाने वाला जो था ना दोस्तों, सेम वैसा ही था ये सिनेरियो, सेम वैसा ही था। सो कल का दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, निशांत भी जेल के अंदर होंगे और जैस्मिन भी रेड जोन के अंदर होंगे, और यस ये खबर आई है सबसे बड़ी खबर, और अब होगा धमाल जब निक्की बाहर आएगी और निक्की को आजादी मिल गई कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में मुझे जरूर बताएं, आपके व्यू पॉइंट्स क्या है कविता वर्सेस एजाज को लेकर या बिग बॉस के इस मास्टर प्लान को लेकर जो कि मैंने एक्सपोज कर दिया, कमेंट सेक्शन में जाएं मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल चैनल में, मैं नया हूं, आपका सपोर्ट चाहता हूं, सो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, सो वहां पर जाके बातचीत कर सकते हैं, RAHULBHOJ के नाम से हूं, सो यस आइए ढेर सारी बातचीत करते हैं, टेक केयर।